हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं? चलिए, मैकेनिक्स वालों के लिए सॉरी, क्योंकि कुछ दिन से मैं आप लोगों पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो आप लोगों से बार बार कॉल आ रहे हैं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं क्या, वीडियो नहीं डाल रहे हैं आजकल, तो थोड़ा बिजी था। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो देने के लिए बोला था, देखिए आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं, बराबर मेहनत करिए, वीडियो बराबर देखिए। ठीक है ना, और फिलहाल मैकेनिक्स वाले तो अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लाइक शेयर करना है, करते रहिए। जो आपके नए फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी आप लोग शेयर करते हैं गया, ताकि आप लोगों के साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है ना, चलिए। और जो न्यू यूजर्स, उन लोगों से बोल देते हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलिए आज की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे मशीन में जो आपका टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने आपको पुलिस वगैरह के बारे में बता दिया था। मैंने शायद आप लोगों को वेस्टर्न पुली भी बता दी थी। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको दो तीन टॉपिक क्लियर करा दूंगा, दो तीन दिन का एक साथ कवर करा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग परेशान मत हुआ करेगा। तो आज मैं बात बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात बता दूँ कि ये जो आपका है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन। ठीक है ना, एक साधारण मशीन है जो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल यूज टू इनकी द मैकेनिकल एडवांटेज। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल है, ये इंक्रीज करता है किसको? इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज। कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का प्रयोग मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों को बताया था इसमें कि कैसे क्या करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताया था कि इसमें आपके टू एक्सल होते हैं, तो एक आपका बड़ा एक्सल होता है, एक आपका शॉर्ट एक्सल होता है। इसमें मैंने बताया था कि आपका एक व्हील होता है। क्या होता है? व्हील होता है। जो आपका एक्सल है, एक्सल के ऊपर एक आपका रॉफ अलग यूज होता है, जो आपका व्हील है इसके ऊपर आपका अलग रॉफ यूज होता है। बात क्लियर है ना? आप लोगों को बताया था कि ये जो आप देख रहे हो, ये आप डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? बड़ा एक्सल है। ठीक है ना, ये आपका लॉन्ग एक्सल हो गया। ठीक, ये आपका शॉर्ट एक्सल हो गया। ठीक है ना, और जो आपका बड़ा एक्सल है, इसका जो डाया है, मतलब डायामीटर हम लोगों ने कितना ले लिया? D1 ले लिया। जो आपका शॉर्ट एक्सल है, इसका जो डाया है, उसको हम लोगों ने क्या ले लिया? D2 ले लिया। आप देख रहे हो कि उसके दोनों एंड्स पर आपका बड़ा एक्सल और छोटे एक्सल के दोनों किनारों पर आप ये डायग्राम में देख रहे हो। इसको बोलते हैं बियरिंग। क्या बोलते हैं? बियरिंग। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बियरिंग बोलते हैं, तो एक्चुअल में वो आपका क्या होता है? बियरिंग होता है। बियरिंग का काम क्या होता है? ये सिरों पर इसको फिक्स किया रहता है, मतलब हिंज कंडीशन पर रहता है, और ये इसको क्या कराता रहता है? राउंड कराता रहता है। इसमें एक बात और बता दूं आपको कि व्हील की और दोनों आपके जो एक्सल हैं, उनकी जो अक्ष होती है, मतलब एक्सिस होती है, वो आपकी कैसी होती है? एक ही होती है। आप ज़रा देखें यहाँ से, यदि मैं इसकी सेंटर लाइन देखूँ तो ये आपको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, सभी की आपकी एक सीधी लाइन है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। तीनों की कैसी होती है? एक ही होती है। इसलिए जब आपका ये जो आपका पहिया है, मतलब व्हील है, जब ये राउंड करता है, तो जो आपके एक्सल है, ये भी आपके एक राउंड करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पूरा अच्छे से समझाया था, यहाँ पर भी फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का यूज़ जो किया जाता है, इनकी मैकेनिकल एडवांटेज के लिए किया जाता है। इसमें एक व्हील होता है, एक आपका बड़ा एक्सल एंड एक आपका छोटा एक्सल। जो आपका व्हील है, क्या आपका व्हील मतलब आपका पहिया हो गया, पहिए का जो डाया है वो मैंने आप लोगों को कितना ले लिया? D1 ले लिया। जो आपका लॉन्ग एक्सल है, मतलब बड़ा धुरा है, उसका आपका D1 ले लिया। जो छोटा धुरा है, उसका मैंने D2 ले लिया। बात क्लियर है ना? अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन होता है इसको अपने रस्से को किस तरीके से। आप नीचे देख रहे हो कि आपको मूवेबल पुली देख रही होगी। मूवेबल पुली के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मूवेबल पुली क्या होती है? ऐसी पुली जो कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। चलिए इसके ऊपर मैं आपको रस्सा लपेट के बता देता हूँ। तो आपको मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से बताया था, इसके पीछे से इस तरीके से ले जाते हैं इसको, और इस तरीके से फिर ये आपका मूवेबल पुली के यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पर आपका निकल जाता है।
जो आपका बड़ा एक्सेल है इसके ऊपर, और इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो जाता है, लिपटता जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रस्सा लपेटते हैं, हम लोग कैसे लपेटते हैं कि जब आपका छोटे एक्सेल का रस्सा आपका कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, तब इसका जो रस्सा होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और इसके ऊपर जो लगा हुआ रस्सा होगा वो आपका कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। आप ज़रा सोचिएगा मैंने क्या बताया कि व्हील बड़ा एक्सल और छोटे एक्सल दोनों की एक्सेस क्या है, एक है। जब आप इसके ऊपर पुल करोगे नीचे की ओर, इसको आप खींचोगे, जब आप खींचोगे तो क्या ये इसी डायरेक्शन में गुड़ करेगा, घूमेगा। जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये पी अर्थात कहने का ये जो रॉफ है आपकी, किसकी, व्हील की, ये कहाँ आएगी, नीचे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी। जब ये नीचे की ओर जाएगी तो ये रस्सी आपकी कहाँ जानी चाहिए, ऊपर की ओर, इसमें लिपटनी चाहिए, और ये रस्सी आपकी कहाँ जानी चाहिए, नीचे की ओर, मतलब इसमें से निकलनी चाहिए। तभी तो ये जो डब्लू है आपका कहाँ पहुँचेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा कि नहीं करेगा। बात क्लियर है ना? चलिए इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं इसमें वेलोसिटी रेशियो की बात करता हूँ। तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में इसका डेरिवेशन भी करवाया था, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपका जेई के एग्जाम वगैरह में आता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 2D अपॉन में स्मॉल d1 माइनस में क्या आता है आपका d2 आता है। क्या आता है आपका वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है आपका 2d अपॉन स्मॉल d1 माइनस d2। जहां पर हम कैपिटल d की यदि बात करते हैं तो कैपिटल d आपको डायग्राम में साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कैपिटल d आपका क्या होता है, व्हील डाया होता है। स्मॉल d1 क्या होता है, लॉन्ग एक्सेल डाया होता है आपका, और जो d2 होता है आपका क्या होता है, शॉर्ट एक्सेल डाया होता है। यदि मैं आपसे बात करूँ कि यदि दोनों का डाया की जगह यदि आपको रेडियस दी जाती है, तो मैंने आपको बताया था 2r जाता है, 2 कॉमन आ जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2r अपॉन r1 माइनस में r2। बात क्लियर है ना? अच्छे से नजर डालिएगा। चलिए अच्छा ठीक है ना। और आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है, दोस्तों को भी बता दें ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए नेक्स्ट मशीन की बात करते हैं हम लोग। तो ये आपकी कौन सी मशीन थी, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल थी। अगली जो मशीन है आपकी वो कौन सी, आपकी व्हील एंड एक्सल। चलिए देखिएगा, आपको दिखाते हैं अभी